बोले घूमना है तो भगवान के पीछे घूमो, संत के पीछे घूमो तो जीवन में कुछ मिलेगा दिखेगा हमारा। तो उतना की कथा सुन करके राजा परीक्षित इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा महाराज भगवान ने तो और भी अच्छी अच्छी लीलाएं की होंगी, बड़ी सुंदर है इनकी बाल लीलाएं, और सुनाइए क्या क्या किया। भगवान हरिश्वर करो कर्ण रम्या मनोज्ञानी कन प्रभो। महाराज भगवान ने और कौन कौन सी लीलाएं की मनोहर, जो मन को अच्छी लगे मधुर लगे, और सुनाइए बालकृष्ण ने क्या लीलाएं की। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, सुखदेव जी भी कृष्ण भक्त, राजा परीक्षित भी कृष्ण भक्त, और आनंद बढ़ रहा, और दोनों विरक्त, दोनों को किसी काम की चिंता नहीं, आगे कुछ करना है ये परवाह नहीं। ऐसा वक्ता श्रोता हो तो कथा में फिर क्या कहना है, आगे पीछे की कोई परवाह नहीं, भगवान से जुड़ा हुआ जीवन। सुखदेव जी कहते हैं एक बार की बात है, रोहिणी नक्षत्र था, उस दिन भगवान कृष्ण की एक लीला और हुई। क्या भगवान कृष्ण लगभग 3 महीने के हो गए, पालने में लेटे लेटे उन्होंने करवट बदल दी। करवट बदलना जानते हो नहीं, करवट बदली, करवट बदली तो यशोदा मैया ने देखा, बड़ी प्रसन्न, आज मेरे लाला ने करवट बदली है। नंद बाबा को बताया, लाला बड़ा हो रहा है, आज करवट बदली है। नंद बाबा ने कहा तो उत्सव मनाओ, हाँ देखो उत्सव मनाओ, आज लाला ने करवट बदली है, क्या उत्सव मनाए, बोले भगवान शंकर का अभिषेक कराओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, ब्राह्मणों से पूजन करवाओ, दक्षिणा दो, सारे नगर के लोगों को बुलाओ, सबको भोजन कराओ, खूब बांटो, खूब भंडारा करो, खूब बांटो। उत्सव मनाने का तरीका यही है, आप अपना जन्मदिन मनाओ, शादी की वर्षगांठ मनाओ, उसमें भगवान की आराधना होनी चाहिए, कुछ धर्मानुष्ठान होना चाहिए, कुछ गरीबों की सेवा होनी चाहिए, 3 काम, और चौथा काम अपने परिवार का और मित्र मंडल का भोजन होना चाहिए, 4 काम करने चाहिए किसी भी उत्सव, भगवान की आराधना, धर्मानुष्ठान, गरीबों की सेवा, और अपने महाराज साथ के लोगों का भोजन भंडारा। मना उत्सव मनाना अच्छा काम है, लेकिन इस ढंग से उत्सव मनाना चाहिए। नंद बाबा बुलाते हैं सारे लोगों को, गोकुल के लोगों को आमंत्रित किया गया, वैदिक ब्राह्मण लोग रुद्राभिषेक करने लग गए, इधर अब बहुत भीड़ हो गई, नंद बाबा राजा थे ब्रज के, बहुत लोग आए थे, नंद बाबा यशोदा मैया सबके आवभगत में स्वागत सत्कार में लगी हुई है, कन्हैया को पालने में लिटा दिया और छकड़े के नीचे पालना रख दिया। छकड़ा जानते हो, छकड़ा बैलगाड़ी जानते हो, बैलगाड़ी तो जानते होगे ना, हाँ बैलगाड़ी को छकड़ा बोलते हैं ब्रज में, छकड़े के नीचे पालना रख दिया। अब जब कोई नहीं था वहां, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, बड़े लोग काम में लगे थे, शक्टासुर आ गया, कंस का भेजा हुआ असुर कृष्ण को मारने के लिए, वो छकड़े में आकर के बैठ गया। श्री कृष्ण ने देखा छकड़े में शक्टासुर बैठा है, अच्छा मामा जी आप भी आ गए, उत्सव है आज ना, आप आ गए, अच्छा किया। और इतिहास में जितने मामा हुए सबकी बड़ी पिटाई हुई है कंस मामा हो, मारीच मामा हो, शक्टासुर हो, जितने मामा हुए, यहाँ भी कोई ना कोई किसी का मामा होगा, है कि नहीं मामा लोगों के, आज भी, आज सच्चाई से नहीं लेकिन मजाक में पिटाई होती है। वो आ गया कोई राधे राधे बोल रहा है इधर, कोई मामा कोई बोलते है महाराज शक्टासुर, शक्टासुर को देखा भगवान ने। अब शक्टासुर इस जुगाड़ में था कि लोग इधर उधर हो जाओ, छकड़े को दबा दू, पालने के ऊपर छकड़े को गिरा दू, बालक मर जाएगा। भगवान कृष्ण ने देखा बड़े बूढ़े लोग इधर उधर हो गए, उन्होंने दाहिने पैर को बढ़ाया, लंबा किया, बढ़ा करके छकड़े में वो जोर से मारा, मारा भयंकर शब्द हुआ, छकड़ा टूट गया, बर्तन टूट गए। अब भगवान कृष्ण फिर शांति से पालने में लेट गए, इतने नटखट थे ऐसा लगा कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इतना बड़ा शब्द हुआ, बर्तन टूटे, सब लोग उत्सव छोड़ के भागे, यशोदा मैया आ गई, नंद बाबा आ गए, बड़े बड़े गोप आ गए, क्या हुआ, छकड़ा टूट गया, बालक तो ठीक है ना, बालक तो ठीक ही थे, बालक को क्या होना, उन्होंने तोड़ा था वो तो लेटे हुए 3 महीने के।
यशोदा मैया ने बच्चों से पूछा, छकड़ा कैसे टूट गया, बर्तन टूट गया, किसने गिराया? अब बच्चों ने जो देखा था वो बता दिया। बच्चों ने कहा, अरे मैया, ये तुम्हारा कन्हैया ने दाहिना पैर लंबा करके मार दिया, इस छकड़ा टूट गया। यशोदा जी कहती है, तो बच्चों तुम लोग बड़ा गप फांकते हो, अरे मेरे लाला का पैर कोई छोटा बड़ा थोड़ा होता रहता है, जब चाहे लंबा कर दे, जब चाहे छोटा कर दे, लंबा करके मार दिया। और छकड़ा में पैर मारेगा भी तो उसके पैर में चोट लगेगी, इतना छोटा सा 3 महीने का लाला छकड़ा कैसे टूट जाएगा? तुम लोग झूठ बोलते हो। ये कृष्ण लीला है, स्वयं झूठ बोले और दूसरे को झूठा बना दे। ये कृष्ण लीला, बच्चे झूठ नहीं बोलते प्राय, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला में बच्चों को भी झूठा बना दिया गया। बच्चे बोलते हमने देखा है, बोले झूठ बोलते हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जो भी हुआ, लाला तो बच गया ना। नंद बाबा को बताया, बाबा ने कहा देखो भगवान शंकर ने लाला की रक्षा की है, तो अब क्या करें? बोले एक बार रुद्राभिषेक और कराओ, एक रुद्राभिषेक और कराओ। दोबारा रुद्राभिषेक हुआ, भगवान शंकर का पूजन हुआ, ब्राह्मणों को दोबारा दक्षिणा मिली, ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्न। ब्राह्मण लोग मन ही मन सोच रहे हैं कि इनका लाला तो एक छकड़ा रोज तोड़े तो आनंद है। रोज रुद्राभिषेक होगा, रोज पूजन होगा, रोज दक्षिणा मिलेगी। ऐसे भगवान ऐसी मधुर लीलाएं बचपन से करते हैं। भगवान कृष्ण का अवतार आनंद प्रधान, मैंने कहा इतनी लीलाएं हैं कि आप पूरा कह नहीं सकते, इतनी लीलाएं। भगवान राम की बाल लीला खोजने जाओ मिलती नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई नटखटपना किया है, बड़े शांत थे महाराज। इधर महाराज और बड़े हो गए कन्हैया, और बड़े हो गए, तो इधर जो वसुदेव जी महाराज हैं, उन्होंने गर्गाचार्य जी से एक दिन कहा, आप हमारे बच्चों का नामकरण कराओ गोकुल जाके। वसुदेव जी जानते हैं कि उन्हीं के दोनों बच्चे, नंद बाबा को पता नहीं। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपाः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव प्रचोदितः, वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य जी गए ब्रज। ब्रज में गए तो नंद बाबा से मिलना हुआ गोकुल में, और नंद बाबा गर्गाचार्य जी जब मिले तो बड़ा आनंद। एक संत जब दूसरे संत से मिलता है ना, तो वास्तव में एक मिलन का आनंद होता है। जो संसारी लोग मिलते हैं वहां तो फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन संत जब संत से मिलता है वहां एक आनंद देखने को मिलता है। एक बार पूज्य चिदानंद जी महाराज, डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले स्वामी शिवानंद जी के शिष्य चिदानंद जी महाराज आए हुए थे आश्रम में, और हमारे गुरु जी यही रुके हुए थे जहां खेतान जी रुके इसी कोठी में। गुरु जी महाराज उनसे मिलने के लिए आए, अपनी कोठी से निकल के यहाँ तक आ गए। चिदानंद जी महाराज को पता लगा तो दौड़ के बाहर आए, और हमारे गुरु जी के चरणों में साष्टांग लेट गए जमीन पे। गुरु जी जानते हो क्या बोले? हमारे गुरुदेव बोले, स्वामी जी जल्दी उठ जाओ क्योंकि मेरे से लेटा नहीं जाएगा। तो मैं भी लेट जाता जमीन पे, आप जल्दी उठ जाओ। ये महात्माओं का जो आनंद है, महात्मा निश्चल हृदय के होते हैं, और उनका जो हंसी है, उनका जो आनंद है वो अलग होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो महात्मा का नाम लिया और महात्मा आ गए। हमारे श्रद्धे स्वामी संविदानंद जी महाराज, जो बड़े अच्छे वक्ता, बड़े अच्छे विद्वान, नासिक में जिनका बहुत बड़ा आश्रम है, और वो अपने स्नेह के कारण यहाँ आए। हम सभी लोग तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। देखो महात्मा की चर्चा हुई और महात्मा गए, और जैसे महात्मा की चर्चा हो रही थी वैसे ही महात्मा है। देख लीजिए भैया, वानगी आपको मिल गई होगी। एक संत जब दूसरे संत से मिलता है, और वो दो संत कौन है? एक इधर हम बीच में। वास्तविक आनंद होता है जब संत संत से मिलता है, और संतों ने वो दोहा बना रखा है, चार मिले 64 खेले। चार मिले मतलब एक संत की दो आंख, दूसरे संत की दो आंख, चार मिले 64 खेले। 64 क्या? 32 दांत एक महात्मा के, 32 दांत दूसरे महात्मा के, माने खूब खिलखिला के हंसते महाराज। हाँ, स्माइल नहीं, जो आप लोगों को सिखाया जाता है कल्चरल प्रोग्राम, स्माइल करके बात कर, वो दे, खिलखिला के हंसते। चार मिले 64 खेले, 20 रहे कर जो। दस उंगली एक महात्मा की, 10 उंगली दूसरे महात्मा की, 20 रहे कर जोर। हरजन से हरजन मिले तो बिकसे 7 करोड़। 7 की 60 कहो, 60 कहो, जिसके जितने होंगे उतने खिल जाए। किसी के 7 करोड़ होंगे तो 7 करोड़ खिलेंगे, 60 करोड़ होंगे तो 7 करोड़ खिलेंगे। सबके बराबर होना तो आवश्यक नहीं। महाराज ये महात्माओं का आनंद, जब गर्गाचार्य जी नंद बाबा से मिले, इतना प्रेम से मिले, इतना प्रेम से मिले, इतना आनंद हुआ, बड़ा उनका स्वागत सत्कार हुआ, सम्मान हुआ। गर्गाचार्य जी को आश्रम देकर षोडशोपचार पूजन किया नंद बाबा ने, और नंद बाबा ने कहा, महाराज आप तो वेदज्ञ हैं, आप हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करें, कृपा करके आए तो उसी लिए थे। और गर्गाचार्य जी वेदज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, उन्होंने पौरोहित्य स्वीकार ही इसीलिए किया था कि यदुवंश में भगवान का अवतार होगा और मैं पुरोहित रहूंगा तो भगवान के सारे संस्कार करने का सौभाग्य मेरे को मिलेगा। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हुए भी पौरोहित कर्म कोई बहुत उत्तम कर्म नहीं, लेकिन इसलिए स्वीकार किया था। अब लेकिन यहाँ पर उनको संभालना है, उन्होंने कहा, भाई मैं आपके बच्चों का नामकरण कैसे करूं? क्यों? मैं यदुवंश का कुल गुरु हूं, और मैं अगर इन बच्चों का नाम, अब जो वसुदेव जी हैं वो यदुवंश में है, नंद बाबा तो यदुवंश में है नहीं, वसुदेव जी क्षत्रिय हैं, नंद बाबा वैश्य हैं। महाराज बोले, अगर मैं आपके बच्चों का करूंगा नामकरण तो कंस को संदेह हो जाएगा कि ये बच्चे कहीं वसुदेव जी को तो नहीं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण तो केवल यदुवंश का ही करते, उन्होंने नामकरण कैसे किया? और इस संदेह में कंस ने अगर बच्चों का कुछ अनर्थ कर दिया तो वो अपराध तो मेरे को लगेगा, ऐसा मैं काम नहीं करूंगा। नंद बाबा ने कहा, नहीं हम किसी को बताएंगे नहीं कि आपने किया। गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, आपका बेटा तो करवट बदलता है तो सारे गोकुल को पता लग जाता है। आज भंडारा किस लिए है? कि लाला ने करवट बदली है। करवट बदलने में सारे गोकुल को पता लग जाता, नामकरण होगा और किसी को पता न लगे, ऐसे कैसे होगा? नंद बाबा बोले कि हम बुलाएंगे ही नहीं ना किसी को। अरे आप नहीं बुलाओगे, कोई अपने आप आ गया उस समय तो? ये भी बात ठीक है। बोले फिर, बोले अच्छा महल में नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे? गौशाले, गौशाला में नामकरण होगा। हाँ? और वहां गौशाले का दरवाजा अंदर से बंद कर लेंगे। नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, गर्गाचार्य और दोनों बालक, 6 लोगों के अलावा 7वां कोई आएगा। गर्गाचार्य आए तो इसीलिए थे, और जब काम पक्का हो गया तो तैयार हो गए। बोले ठीक है चलो। सारे वैदिक विधि के द्वारा पहले पूजन हुआ, इनामकरण संस्कार है। वहां महाराज चावल की थाली में बच्चे का, बेटे का, बेटी का नाम लिखा जाता है, और जो नामकरण करता है, जो कुल गुरु हो या सदगुरु हो, कोई भी हो, वो बच्चे के मुख में 3 बार कान में बोलता है, तुम केशवोसी, तुम गोविंदोसी, जो नाम रखेगा, गोविंद रखे, केशव रखे, राघव रखे, ऋषभ रखे, जो नाम रखा जाएगा 3 बार उसके कान में गुरु बोलता है तुम अमुकोसी, और उसके बाद उसका पूजन होता है। माने एक तरह से नाम का अध्यारोप वहां किया जाता है। तो नामकरण संस्कार है,
गर्गाचार्य जी महाराज सारी तैयारी करते हैं विधि विधान के साथ गौशाला में। अब उधर क्या हुआ, यशोदा मैया को थोड़ा आनंद सूझा, उन्होंने रोहिणी मैया के बच्चे को ले लिया अपनी गोद में, अपने बच्चे को दे दिया रोहिणी मैया को, और पूछा आचार्य जी हमारा बालक है इसका नाम क्या होगा आप बताइए। गर्गाचार्य जी बोलते हैं ये आपका बालक नहीं है, ये तो रोहिणी का बालक है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरद गुण आख्यास्यते रामयते बलाधिक्य बलं विदुः यदु नाम पृथक भावात् संकर्षणमुशन्त्युत। अरे भाई ये तो रोहिणी मैया का बेटा है, आपका बेटा नहीं है। यशोदा जी हंस गई, अरे आचार्य जी तो इतने विद्वान हैं कि बच्चे भी पहचान लेते हैं कौन किसका बेटा, तो ऋषि का नाम बता दीजिए। बोले इसका पहला नाम होगा राम। राम का अर्थ होता है जो सबको आनंदित करता रहे, रमयम जो सबको आनंदित करता रहे उसका नाम राम। बताऊंगा नहीं लेकिन कैसे संभाल पाते, बोलते आशन्वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो निबन्धनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। मैया ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये प्रत्येक युग में अवतार लेता है, कभी शुक्ल वर्ण, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण, और इस समय श्याम वर्ण होकर के आया है। श्याम श्याम माने सांवरा, आकाश की जैसी नीलिमा, या महाराज जो मणि होती ना नीलमणि उसकी जैसी चमक, ऐसा श्री विग्रह था भगवान कृष्ण का, ऐसा सौंदर्य था। और श्याम वर्ण जो आकाश का होता ना, ये अनंतता का सूचक है। जब बहुत दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता अनंत होता है, वहां नील वर्ण दिखाई देता है। तो भगवान कृष्ण भगवान राम ये श्याम वर्ण के क्यों है, क्योंकि भगवान अनंत है, ये उसका सूचक। तो ये महाराज इस बार श्याम वर्ण होकर के आया है, इसलिए इसका पहला नाम हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण माने सामरा, और कृष्ण का अर्थ क्या होता है, कर्षति आकर्षति एन केन प्रकारेण सर्वान जीवान इति कृष्ण, जो किसी भी प्रकार से हर व्यक्ति को अपनी तरफ खींच ले उसका नाम होता है कृष्ण। आप लोगों को खींचा कि नहीं खींचा, बहुत कम लोग बोल रहे हैं। श्री कृष्ण जिसको खींच ले, दूसरे के भक्तों को अपना भगत बना ले, बहुत लोग इनमें से ऐसे होंगे जो कई लोग कहते हैं जो वृंदावन रेगुलर आने लग जाते हैं ना, वो कहते महाराज पहले हम शिव जी के भक्त थे, पहले हम दुर्गा जी के भक्त थे, पहले हम राम जी के भक्त थे। तो मैंने कहा क्या हो गया, बोले बांके बिहारी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा हो गया काम तुम्हारा, अरे दूसरों की छोड़ो इनको पकड़ लिया। ये शिव जी के भक्त अभी बोलने लग गए श्री कृष्ण हमारे सखा है। मैंने कहा बस हो गया काम, अब पहले सखा बनेंगे फिर सब कुछ बनेंगे। उनका स्वभाव पकड़ना क्या है, एक्चुअली जिसके बहुत भक्त होते हैं ना वो दूसरे के भक्तों को नहीं पकड़ता है। आगे नहीं बोलूंगा कोई बात नहीं, कृष्ण भक्त बहुत बैठे हमारा। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षति आकर्षति, जो आकर्षित कर ले किसी भी एन केन प्रकारेण। हमारे महाराज जो सुनाते थे विनोद में कथा सुनाते थे, बोले एक नई गोपी का विवाह होकर के ब्रज में आया, उसके माता पिता ने कह दिया कि देखो वहां एक नंद का छोरा रहता, बहुत नटखट है, सबको छेड़ता है, और वो गाय चराने रोज जाता बांसुरी बजाते हुए, जैसे तुम्हारे दरवाजे से निकले घूंघट डाल के दूसरी तरफ मुख करके बैठ जाना, देखना मत उसको। सिखा दिया, बोले ठीक है नहीं देखूंगी। अब वो तो रोज ही जाते थे, उनको पता लग गया कि एक नई गोपी का प्रवेश हुआ है ब्रज में, उसको भी अपनाना है। वो बांसुरी बजाते हुए जा रहे थे, उसके घर के सामने खड़े होकर बजाने लग गए, वैसे तो चलते चलते बजाते थे, खड़े होकर बजाने लग गए। वो समझ गई वही है जिसके लिए माने मना किया था, वो घूंघट डाल के दूसरी तरफ पीठ करके बैठ गई। बांसुरी बजाने से काम नहीं हुआ तो नाचने लग गए, घुंघरू बांधे हुए थे पैर, नाचने लगे, बड़ा सुंदर नाचते थे महाराज, काली नाग के सिर पर जो नाचे इससे अच्छा कौन नाचेगा। नाचने के बाद भी उसने नहीं देखा
हमारे महाराज जी कहते थे कंकड़ी उठाइए और मार दी फेंके, जैसे मारा तो थोड़ा चोट लगी, न चाहते हुए भी उधर नजर चली गई। जहां नजर चली गई श्री कृष्ण पर, अब माँ की बात भूल गई तो महाराज श्री कृष्ण के साथ बाहर आ गए और वो भी नाचने लग गए श्री कृष्ण के साथ। इनका नाम है कृष्ण, कृष्ण माने आकर्षक। आप देखें बांके बिहारी के ये कितने लोग पागल हैं, वैसे देखने सुनने में कोई बहुत सुंदर नहीं है, हमारे नृत्य गोपाल बहुत सुंदर है, लेकिन नहीं बांका बिहारी, बांका बिहारी ये उनका आकर्षण, उनका अट्रैक्शन है। जब तक नहीं जाएंगे चैन नहीं, तो उनका आकर्षण। तो कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण। और हमारे गुरु जी इसका एक अर्थ बड़ा सुंदर करते हैं, व्यवहारिक अर्थ। कृष्ण शब्द अगर जब लिखते हैं आप, तो का के नीचे एक मात्रा है री, जो ऐसे है ऐसे। अब आप लोग तो अमेरिका से आए हैं, फिर भी हिंदुस्तान में भी तो पहले रही होंगे। कुआ जानते हैं? कुआ जानते हैं? बहुत लोग जानते होंगे। हाँ, पहले गांव में कुएं होते थे, कुएं से पानी निकाला जाता था बाल्टी डाल के। कभी कभी वो बाल्टी रस्सी से टूट के गिर जाती थी, फिर वो बाल्टी को निकालने के लिए एक कांटा होता था लोहे का, जो ऐसे ऐसे आकार का होता, रस्सी में बांध के वो कांटा डालते थे, बाल्टी को फंसा के बाहर ले आता। हमारे गुरु जी कहते हैं देखो भगवान कृष्ण वो कांटा अपने साथ हमेशा रखते हैं। काके नीचे लगा है अभी क्रेन से समझ जाओगे स्वामी जी ठीक का। क्रेन में वही कांटा होता, किसी गाड़ी को टो करके ले जाना हो, किसी को उठाना हो, क्रेन में वो कांटा होता है। बोले वो कांटा भगवान कृष्ण अपने नाम के साथ हमेशा रखते हैं। बोले क्यों? बोले कोई भी भक्त कृष्ण नाम कभी भी कहीं से भी पुकारे, कितना नीचे गड्ढे में भी गिरा होगा, वो टो करके ऊपर उठा लेंगे और अपने पास ले आएंगे। उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षण, कृष्ण माने जो ऊपर खींच के ले आवे, उनका नाम कृष्ण। वो महाराज दुर्गाचार्य जी ने बड़े सुंदर नाम रखे। अब वो भूल गए कि भगवान ने बताना है कि नहीं बताना। वो कहते हैं बाबा ये पहले वसुदेव जी के बेटे हैं। वसुदेव जी के बेटे? मेरे बेटे 75 साल में लाला हुआ, आप कह रहे वसुदेव जी के बेटे? अक्षय आचार्य जी आया। अब वो घबरा गए, वो सोचे तो नहीं बताना था, मैं भूल से बता गया। तुरंत बात को संभाला, बोले इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में थे, पिछले जन्म में प्राग अयम वसुदेवस्य, ये पिछले जन्म में वसुदेव जी के बेटे थे, इसलिए उसके नाते इनका एक नाम वासुदेव श्री कृष्ण भी पड़ेगा। दो ही नाम रखा, बलराम जी के 3 रखे, श्री कृष्ण के 2 ही रखे। जानते थे ज्यादा रखूंगा तो और भेद खुल जाएगा, मैं छिपा नहीं रखूंगा। नंद बाबा को कह दिया लाला तुम्हारा बड़ा नटखट है, बहुत अच्छा है, इसकी खूब सेवा करना, ये तुमको हर आपत्ति विपत्ति से पार कर देगा, निकाल देगा, ऐसा तुम्हारा लाला है, नारायण के जैसा है साक्षात। दुर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया, उनको खूब भेंट पानी दक्षिणा मिली और वो लेकर के वहां से वापस मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें, भजन करें, और उसके बाद जो और भी बड़ी सुंदर बाल लीलाएं हैं भगवान की, उनका आप लोग आनंद लें।
भोले बाल कृष्ण।